अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब फैमिली के तमाम मुअज़्ज़ज़ बहन भाइयों को आपने चैनल हाउ टू मेक में वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, नौकरी बुनाई के बारे में आपको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। सब डिज़ाइन एक से एक बढ़िया, खूबसूरत और ब्यूटीफुल हैं। इनमें से काफ़ी सारे डिज़ाइन की तफसीलन वीडियोस को आपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल को विज़िट करें। बाकी जो डिज़ाइनिंग रह रही है उसके बारे में अलग अलग वीडियोस डाली जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि कोई वीडियो रह ना जाए। जितनी भी डिज़ाइनिंग नौकरी बिठाई में की जा चुकी है, अब हम जिस डिज़ाइन के बारे में तफसीलन बात करने वाले हैं वो डिज़ाइन स्क्रीन पे आ चुका है। इसकी स्टार्टिंग में एक बॉक्स बनाया गया जिसके अंदर से एक रस्सी उठाने के बाद तीन उठाएंगे और फिर दो उठा के, एक दबा के, दो उठा के एक फूल बनाया है, डब्बी बनाई है बॉक्स के अंदर। जैसे ही बॉक्स को बंद किया है तो साथ ही दूसरी तरफ पांच उठाए हैं और वहाँ पे पॉपड़ बनाया गया है जिसको एक तरफ बाई के साथ और दूसरी तरफ माई के साथ, संगे के साथ चलाया गया है। इसी पैटर्न को जारी रखते हुए आप इस डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। हर स्टेप पे, हर चेंजिंग पे, जहाँ पे लेयर को, पॉपट को बंद किया जाएगा, वहाँ से आगे पांच उठा के दूसरा बॉक्स या दूसरा पॉपट शुरू किया जाएगा। इस बीच, इनके बीच में तीन का फासला ज़रूरी है ताकि डिज़ाइनिंग बरकरार रहे। इस डिज़ाइन की एक और ख़ूबसूरती भी है कि अगर आप इसको चार बॉक्स के ऊपर देखते हैं तो ये एक अलग बॉक्स नज़र आएगा। चारों कोनों पे बॉक्सेस, उसके अंदर चारों जगह पे दो दो पॉपट। अगर इसको आप बारह पे देखते हैं तो अलग बॉक्स नज़र आएगा। अगर इसको आड़ा टेढ़ा देखें तो बॉक्स के सामने बॉक्स की लाइन नज़र आएगी। तो पॉपट के सामने पॉपट की लाइन नज़र आएगी, तो हर एंगल से, हर तरफ से देखने पे एक अलग लुक नज़र आती है। बहुत ही ब्यूटीफुल और लेटेस्ट डिज़ाइन है, नौकरी बुनाई में पहली दफ़ा बनाया गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में राय दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआओं में याद रखिएगा। दुआ गो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी कामयाबियों से नवाजे और अपने कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए हमें सपोर्ट लाजमी करना।